वेलकम टू मनीषाज किचन। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी। ये एगलेस ब्राउनी है और इसको आप माइक्रोवेव कन्वेक्शन ओवन में भी बना सकते हो। सबसे पहले मैं एक टिन को अच्छे से ग्रीस कर लूँगी बटर पेपर लगा के। बटर से ग्रीस कर ले रहे हैं हम इसको। अब एक चॉकलेट बार है, ये कुकिंग चॉकलेट है। अब मैं इसको अच्छे से चॉप कर लूँगी। ये डार्क चॉकलेट है, इसको छोटे छोटे चॉप कर लेंगे हम। और ये बटर है, अब मैं इसको एक बड़े बोल में डाल दूँगी। इसी में मैं ये चॉप्ड चॉकलेट डाल दे रही हूँ। अब मैं इसको माइक्रोवेव में मेल्ट कर लूँगी। 30 सेकेंड्स के लिए मैंने इसको मेल्ट किया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप डबल बॉयलर में भी कर सकते हो इसको। माइक्रोवेव में थोड़ा कन्वीनियंट रहता है इसको करना। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए। बस मेक श्योर कि चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं एक बड़े बोल में स्ट्रेनर रख रही हूँ, उसमें मैं ये मैदा सीव करूँगी। इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। कोको पाउडर और पाउडर शुगर। ये नॉर्मल शुगर है, उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया। इसको अच्छे से हम सीव कर लेंगे। इसको मिक्स कर लें। अब इसमें ये मेल्टेड चॉकलेट और बटर हम डाल देंगे। और वनीला एसेंस। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा थिक हो गया है तो इसको विस्क करना मुश्किल हो रहा है, तो अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क डाल दूंगी। अब हम इसको अच्छे से विस्क करेंगे। इसमें हैंड ब्लेंडर वगैरह की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से मिक्स कर लें, यही इसी से हो जाएगा। इसमें मैं पानी डाल दे रही हूँ। आप अपने थिकनेस के हिसाब से इसमें पानी डाल लें। हमें बैटर की थिकनेस ऐसे ही रखनी है। अब इसमें मैं ये चॉप्ड वॉलनट डाल दूंगी। थोड़ा सा मैं बचा लूंगी इसके ऊपर डालने के लिए। ये हो गया है, अब मैं इसको एक केक टिन में डाल दूंगी।
इसको हम अच्छे से टैप कर लेंगे, जैसे कि ये साइड्स में भी चले जाए, नहीं तो आप स्पून से भी इसको कर सकते हो। मैंने बटर पेपर साइड से इसलिए छोड़ा है कि जब हम इसको बेक करने के बाद निकालें तो ये आराम से निकल सकता है। इसके ऊपर मैंने वॉलनट्स डाल दिए हैं। अब हम इसको बेक करेंगे 180 डिग्री के में 30 मिनट्स के लिए। आप इसको माइक्रोवेव में जो कन्वेक्शन वाला होता है उसमें बनाएं, मैं भी उसी में बनाती हूँ। 30 मिनट्स के बाद ये कितने आराम से निकल गया है, इसलिए हम ऐसे बटर पेपर लगाते हैं। अब इनको पीसेस में काट लिया है मैंने। मेरे पास डार्क चॉकलेट था, मैं उसको मेल्ट करके कोन में डाला मैंने, और इसके ऊपर मैंने ज़िगज़ैग पैटर्न बनाया है। इस पे आप न्यूटेला भी डाल सकते हैं और गरम गरम ब्राउनीज़ के ऊपर आइसक्रीम डाल के खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।